गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कफ्स एंड लैशेज के हॉल वीडियो। सो आई हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज एंड ऑल आर द न्यू लॉन्चेस। सो बकेट फुल मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं। सो मैं आज इस बारे में बात करूंगी। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। और बिफोर मूविंग अहेड विद द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आप सोच रहे हो ये मेकअप लुक के बारे में, दिस इज शिवन्या मेकअप लुक, जो कि मोनी रॉय का इंस्पायर्ड मेकअप लुक है, जिसे मैंने क्रिएट किया विद द वन ब्रांड फेसेस कनाडा प्रोडक्ट्स। मैंने अपने चैनल पे और भी अदर सेलिब्रिटीज के मेकअप किए हुए हैं और साथ साथ बहुत सारे वन ब्रांड ट्यूटोरियल्स हैं विद अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ऑल्सो। सो डू चेक देम आउट। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ये प्रोडक्ट परचेस किया है, बाकी सारा मुझे PR में रिसीव हुआ है फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज। सो सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट को हटा देना चाहती हूँ दिखाकर आप लोगों को। सो दिस इज 20 समथिंग का पैलेट, जिसमें आपको कुछ इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कुछ इतने सारे कलर्स मिलते हैं। एंड दिस इज अ फेस एंड आई पैलेट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज इसमें आपको कॉन्टोर और हाईलाइटर मिलता है और ब्लश का यहाँ पे यू आर गेटिंग टू डिफरेंट टोन्स, जो कि शीन वाले ब्लश है। सबसे अमेजिंग बात, ये जो पैलेट है इसमें आपको ब्लूज मिलता है, पर्पल मिलता है, पिंक मिलता है, येलो मिलता है, ग्रीन मिलता है। इट्स अ वेरी मल्टीपर्पज और ये एक मल्टी कलर पैलेट है। अब हम बात करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की जो कि मुझे PR में रिसीव हुए हैं। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू निधि दी, बिकॉज वो न्यू लॉन्चेस बहुत सारी कर रही है और अभी उन्होंने रिसेंटली दिल्ली में या फिर नोएडा में उन्होंने दो अपने स्टोर भी ओपन कर लिए हैं। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू विजिट दैट स्टोर। आई होप कोविड जल्दी से ठीक हो जाए और मेरा दिल्ली आना हो ताकि हम मिले। सो या ओके, अभी फिलहाल हम बात करते हैं न्यू लॉन्चेस की। एंड दीज आर द ब्यूटिफुल 9 color पैलेट फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज। सो दीज आर 9 color पैलेट जो कि अभी न्यू लॉन्च हुआ है। सबसे पहला है लेट इट स्नो, जो कि एक ब्लैक आई शेडो पैलेट है। साथ के साथ नेक्स्ट इज द कीवी पैलेट, जिसमें ग्रीन्स मिल जाते हैं। नाउ दिस इज लव लव लव, जिसमें आपको मिल जाते हैं पिंक एंड पर्पल की फैमिली। सो दीज आर वेरी क्यूट। इस 9 color वेरिएंट में निधि ने मैट कलर्स के साथ शिमर भी ऐड किया है और एक जरूर से आपको ग्लिटर पैन में मिल जाता है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। ऑब्वियसली मेरे पास ये पूरा पैलेट है लाइक जिसमें इनका पूरा ग्लिटर शेड्स है, बट आई एम अ वेरी बिग फैन कफ्स एंड लैशेज के ग्लिटर्स की। आप देख सकते हो कितना पिगमेंटेड है, जस्ट लुक एट दिस शिमर शेड। नाउ मैं आपको ये वाले कलर का मैट दिखाती हूँ पिगमेंट। वो इट्स लव लव लव, बिल्कुल लव है ये पैलेट से आपको प्यार ही हो जाना है। नाउ दिस इज कीवी पैलेट, जिसमें आपको मिलता है ग्रीन्स। सो देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रीन्स। सबसे पहले ये ग्लिटर शेड को मैं दिखाना चाहती हूँ। वाओ, नाउ दिस मैट शेड, वो अमेजिंग। नाउ हम ये वाला शेड को स्वॉच करते हैं, विच इज अ शिमर शेड। सारे ही कितने बढ़िया पिगमेंटेड। लेट इट स्नो, जो कि मेरा करंट फेवरेट हो गया, बिकॉज मैंने इसे यूज किया था परम सुंदरी मेकअप लुक में और मेरी आईज बिल्कुल जेट ब्लैक लग रही थी उसमें। सो वी आर गेटिंग हियर 2 black, जिसमें एक थोड़ा कम ब्लैक है, एक ज्यादा ब्लैक है। नाउ वी आर गेटिंग ग्रे शिमर, व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर, यू नो ऑल ऑफ दैट। सो लेट्स वॉच दिस वन। कहाँ करूं, यहां करती हूँ। ये बहुत ही बढ़िया वाला शिमर ग्लिटर शेड है, बहुत खूबसूरत लगना है आईज पर। और मैं ये ब्लैक कलर की तो बिल्कुल फैन हो गई हूँ। ओ माई गॉड, ये इतना पिगमेंटेड है। अभी आपको भले ही यहाँ पे इतना पिगमेंटेड नहीं दिख रहा हो, बट आप मेरा परम सुंदरी मेकअप लुक देखना, उसमें वो कितना पिगमेंटेड आया। ओ माई गॉड, ये हल्का ग्रेश ब्लैक लग रहा है ना, बट स्टिल दिस इज रियली अ ब्लैक शेड। ओके, सो ये बात हो गई ये तीनों की और ये 9 color के पैलेट है। नाउ अभी हम बात करते हैं कपी केक्स की, क्योंकि सिंगल्स लॉन्च किया है दीदी ने और इनकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, बिल्कुल कपी केक्स नाम है। और ये बिल्कुल सिंगल्स और इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, सो इट्स वेरी वेरी अमेजिंग। दिस इज सन किस्ड। अगर आपकी स्किन मीडियम है ना, तो यू कैन यूज दिस एज अ कॉम्पैक्ट ऑल्सो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और अगर आप फेयर हो तो यू कैन यूज इट एज अ ब्रॉन्जर। नाउ दिस इज द ब्लश, मैट ब्लश, और ये है डबल टॉक। बहुत ही ज्यादा प्यारा पीच कोरल काइंड ऑफ कलर है।
नाउ दिस इज ये मुझे एक्चुअली ब्रोकन रिसीव हुआ. पहले ये पार्सल गोवा आया थी नहीं, रिसीव नहीं हुआ, तो दीदी ने रिटर्न लिया और कोलकाता भेजा उन्होंने. दैट वॉज सो स्वीट. बट जब उन्होंने भेजा तब मेरा वापस गोवा आने का प्लान हो गया, तो सेम पार्सल गोवा आया. सो मेरे डैडी ने फिर इसे कोरियर करवाया, वहां पे मैंने रिसीव करवा लिया था मम्मी से, तो ये इसलिए ब्रोक हो गया. थैंक गॉड एक ही प्रोडक्ट ब्रोक हुआ, वरना फिर क्या ही होता पता नहीं. तो मैंने इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस किया है हल्का हल्का हाथों से, सो दैट यू नो आपको एटलीस्ट मैं इसका स्वॉच तो दे ही सकूं. सो ये इसका ब्यूटीफुल स्वॉच है, इट्स अ वेरी पीची काइंड ऑफ कलर, सो यू कैन यूज इट एज अ हाइलाइटर ऑल्सो अगर आपको डिफरेंट अप्ले करना अच्छा लगता है तो. बट इसमें और भी वेरियंट्स है, बहुत सारे कलर्स हैं, यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कप्स एंड लैशेज का पूरा फेस पैलेट है, लाइक अ ब्लश पैलेट, कॉन्टोर पैलेट, हाइलाइटर पैलेट, उसमें आई थिंक 6 कलर्स है, 6 या 9 कलर्स है. उसका दीदी ने ये कपी केक्स करके नाम देकर सिंगल्स लॉन्च किया है, बिकॉज अगर आप प्रो आर्टिस्ट हो तो ही आपको फेस पैलेट रिक्वायर्ड है. अदरवाइज क्योंकि आपको अलग अलग टोन्स पे मेकअप करना होता है, अलग अलग स्किन टोन्स पे मेकअप करना होता है. बट इफ यू आर अ यू नो जस्ट मेकअप लवर और आप एक जस्ट थोड़ा बहुत ही ओकेजनली मेकअप करते हो, तो आपको उतना बड़ा पैलेट लेने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट बाय सिंगल्स, ये आपको सस्ता भी पड़ेगा. ओके नाउ हम लिपस्टिक की बात करते हैं, उसके बाद हम लास्टली आई शेडो की बात करेंगे. सो दिस इज पेंटा लिपस्टिक जो कि लॉन्च है फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज. सो मैंने काफी देखा लोगों को इसके बारे में बात करते हुए, दे आर सेइंग रेने की कॉपी है. आई डोंट नो अबाउट कि रेने ने भी खुद ही डिस्कवर किया था ये पैकेजिंग या उन्होंने भी किसी की कॉपी की है, आई डोंट नो दिस. बट मैं ये जरूर कहूंगी कि आप हमेशा अच्छी चीजों से इंस्पायर्ड होके ही उसे यू नो अपने जिंदगी में शामिल करते हो. जैसे अगर आपको मेरा ये मेकअप अच्छा लगेगा तो आप इसे जरूर रिक्रिएट करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ओ आपने कॉपी कर लिया. लाइफ गोज ऑन लाइक दिस. आपका कोई चीज मुझे अच्छा लगा, मैं उसे अपने लाइफ में लाऊंगी, अगर अच्छी नहीं लगी तो मैं उसे नहीं लाऊंगी. सो अगर ये सोच के भी इसे लॉन्च किया गया है तो इट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग. एटलीस्ट शी इज थिंकिंग अबाउट अदर्स कि एक लिपस्टिक में यू आर गेटिंग 5 डिफरेंट शेड्स. और जहां तक मैंने वीडियो भी देखी है निधि दी की, उन्होंने लॉन्च में बोला भी है कि आप इसे सिर्फ ऐसे मत यूज करना कि ऐसे खोला और ऐसे निकाला, ऐसे पीछे से लगा दिया, तो क्या होगा कि आपकी लिपस्टिक ब्रोक हो सकती है, टूट सकती है, खराब हो सकती है. अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बहुत ही जेंटली आप इसको निकालो यहां से, और इसके बाद बहुत ही हल्के हाथों से आप इसे एकदम ध्यान से ऐसे लगाओ इसके पीछे. और जब आप कैप भी बंद करो तो मेक श्योर आप यू नो अच्छे से कैप को बंद करो, बिकॉज ये स्टर्डी नहीं है. और अगर आपको ज्यादा अगर आप ट्रैवल करते हो तो जस्ट इसको ऐसे रख मत लेना, आप इसकी जो आउटर पैकेजिंग है उसमें करके ही रखना. सो आई डोंट थिंक कि इसके बाद भी लोगों को इसको हेट करना चाहिए. इट्स अ रियली अ ब्यूटीफुल लॉन्च फ्रॉम कफ्स एंड लैशेज, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग मैं ब्यूटीफुल बोल रही हूँ. इसकी जो पिगमेंटेशन है यू गाइज, आपको मैं कहाँ स्वॉच करके दिखाऊँ, आई एम लविंग दिस. मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, यहाँ पे ये देखो आप, ये पिगमेंटेशन ये देता है. दिस इज लवली. मतलब जिस दिन से मुझे ये रिसीव हुआ है ना, आई एम इन लव विद दिस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. प्लस मुझे नहीं मालूम रहने में कितने सारे शेड्स आते हैं, क्या आते हैं, बट इसमें आपको वाकई हर एक कलर बहुत डिफरेंट मिलता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग. प्लस जो ये न्यूड्स है ना, ये खास करके मीडियम स्किन टोन पे बहुत खूबसूरत लगने वाले हैं. और अगर आपको कोई ऐसा शेड है जो आपको नहीं जा रहा है तो यू कैन प्ले विद 2 कलर्स, लाइक आप मिक्स कर सकते हो. अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के पास भी जाते हो मेकअप करवाने, तो वो डायरेक्ट आपके फेस आपके लिप्स पे या फेस पे कोई भी एक कलर नहीं लगाता, वो हमेशा मिक्स करता है. आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग वो कुछ कलर बनाने की कोशिश करता है. सो इफ यू थिंक कि मान लो ये वाला कलर जो है, मान लो ये आपको नहीं जा रहा, तो आप इसको ब्राउन के साथ मिक्स कर दो ना, तो ये एक अलग कलर बन जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा. सो ट्राई टू प्ले विथ दीज, बिकॉज आप इसे अलग 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 परचेज नहीं कर रहे हो, यू आर गेटिंग सिंगल दिस लिपस्टिक, पेंटा लिपस्टिक जिसमें 5 कलर्स हैं. तो आप चाहो तो इसे सिंगल वेयर करो, आप चाहो तो इसे मिक्स करके भी वेयर कर सकते हो. सो दिस इज द न्यूड कलेक्शन एंड दिस इज द पिंक पर्पल रेड कलर वाला कलेक्शन. सो आई लव बोथ द कलर्स बिकॉज बहुत अच्छा पे ऑफ है और बहुत ही ईजिली ग्लाइड करता है आपके लिप्स पर, बहुत ज़्यादा अच्छा. मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी है. सेकेंडली अगर लास्टिंग की बात करूँ तो ये आपके लिप्स पे एटलीस्ट 3-4 आवर्स आराम से लास्ट करता है. बट अगर आप पानी पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, तो ये ट्रांसफ़र वाकई करता है.
और अगर आप मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हो, मेरा चैनल है सोनाली व्लॉग्स, वहां पर मैंने इसे 3 दिन तक ट्राई किया था, तो ये ना पानी पीने पे भी ग्लास में ट्रांसफर कर रहा था, बट एकदम से निकल नहीं जाता है, स्लोली स्लोली ट्रांसफर होता है और स्लोली स्लोली फेड होता है। बट अगर आपने ऑयली फूड खाया तो फॉर श्योर निकल जाएगा, बिकॉज इट्स अ बुलेट लिपस्टिक, इट्स नॉट अ लिक्विड लिपस्टिक जो कि मैट होके आपकी लिप्स को ड्राई कर रहा है, इट्स अ बुलेट, सो ये आपके लिप्स पे बहुत कंफर्टेबल भी रहता है। नाउ मूविंग टू द लास्ट प्रोडक्ट जो कि बहुत सारे हैं, जस्ट लुक एट देम, दीज आर द कफ्स एंड लैशेस हैंडी डैंडी पैलेट, जिसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, और आई हैव अ लॉट ऑफ इट, सो मैंने सबको पहले से ओपन करके रखा है। बस एक चीज, मुझे ये चीज थोड़ी सी अजीब लगी, जो भी आउटर पैकेजिंग है बस नाम उसी में है, इसमें नहीं है, और मुझे ये थोड़ा सा अटपटा लगा। तो मैंने निधि दी की वीडियो देखी तो उन्होंने इसमें मेंशन किया था कि मैन्युफैक्चरर ने डाला नहीं है वो डिटेल्स, जो नाम नेम ऑफ द पैलेट, तो वो हम नेक्स्ट वाले स्लॉट में डलवाएंगे। सो या शी इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, तो इस बारे में उनको बैश करना ठीक नहीं है, तो आई थिंक ये सारी चीजें ही वो नेक्स्ट स्लॉट में करने वाली हैं। और या बाकी सारी डिटेल्स आपको, सारे जो भी कफ्स एंड लैशेस के आप प्रोडक्ट लेते हो ना, उसकी सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट में मिलती है, कस्टमर केयर नंबर भी आपको मिल जाता है। इसमें आपको मिलता है एक छोटू सा ब्रश, जो कि आर्ट वाला ब्रश लग रहा है मुझे, मतलब ये ऑनेस्टली इट्स नॉट इन यूज। इस पैलेट में आपको मिलता है, जैसे ये पूरे पैलेट ना अलग अलग रेंज है, जैसे इसी तरह से ब्राउन है, इसी तरह से ब्लैक है, येलो है, ब्लू है, पर्पल है, मॉव है, येलो है, ऑरेंज है, पीच है, देयर आर सो मेनी कलर्स इन दिस पैलेट। सो ऐसा है कि जैसे अभी ये है तो इसमें यू आर गेटिंग 4 matte और 1 shimmer, बट अगर ये पैलेट आप लो तो इसमें आपको मिलता है 2 shimmer और 2 matte, तो इस तरह से पूरी फैमिली है। जब ये लॉन्च, ये वाली वीडियो मैंने लॉन्च वीडियो दीदी की देखी, तो दीदी ने उसमें बोला कि हम बड़े बड़े पैलेट्स लॉन्च कर रहे थे जिसमें 39 colors हैं, 32 colors है, लाइक मेरा फेवरेट इनचैंटिंग पैलेट है, बिकॉज उसमें एक लाइन में आपको मिलता है शिमर, एक लाइन में आपको मिलता है ग्लिटर्स, और बीच में यू आर गेटिंग मैट कलर्स। बट बहुत सारे लोग वेर नॉट लाइकिंग, ओनली द प्रो मेकअप आर्टिस्ट, द यूट्यूबर्स, द मेकअप, यू नो, मेकअप रिलेटेड पर्सन को ही वो अच्छा लगेगा, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ कलर्स टू वर्क विथ। बट अगर आप सिर्फ मेकअप करना पसंद करते हो एंड यू नो कि मुझे सिर्फ मॉव चाहिए, मुझे सिर्फ पिंक चाहिए, मुझे सिर्फ ब्राउन चाहिए, तो आपको जरूरत नहीं इतने बड़े पैलेट को लेने की और उतना बड़ा इन्वेस्ट करने की। हालांकि बहुत सारे कलर्स यू आर गेटिंग इन सच अफोर्डेबल प्राइस बिकॉज ऑफ कफ्स एंड लैशेस, बट दीदी ने वो बात को सुना अपने सब्सक्राइबर्स का एंड शी हैज लॉन्च इस तरह से मिनी मिनी डिफरेंट पैलेट, सो दैट आपको जो टोन्स चाहिए बस आप वही ले लो लेस प्राइस पे करके। सो ऑल एंड ऑल आई रियली लाइक एज अ ब्रांड कफ्स एंड लैशेस, बिकॉज वो सुनते हैं अपने व्यूवर्स, अपने कस्टमर्स की बातें और उसको वो वर्क करते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट निधि दी, बिकॉज बींग अ मॉम, बींग अ वाइफ, बींग अ होम मेकर, बींग अ यूट्यूबर, और अभी तो शॉप भी ओपन हो गया, इतना सब कुछ करने के बाद भी शी इज रियली लिसनिंग यू गाइज और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं। ऑलरेडी यू गाइज लव हर अ लॉट, सो या बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स आपने देखे हैं सारे आगे मेरे ट्यूटोरियल्स में आपको यूज करते हुए मैं दिखाऊंगी। और यही था आज का वीडियो, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक जरूर करिएगा। मैं सोनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।